नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन कुशवाहा अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, शीघ्र पतन कमजोरी एक ऐसी समस्या है जिसमें बड़ी संख्या में जो है युवा वर्ग और जो है अधिक उम्र के लोग भी जो है इससे पीड़ित होते हैं। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो टाइमिंग बढ़ाने के लिए जो है बहुत ही उपयोगी होते हैं। दोस्तों, अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि लोग जो है डॉक्टर से परामर्श नहीं लेते हैं इस चीज़ को लेके, और कुछ ऐसी दवाइयों का सेवन करने लगते हैं जो हानिकारक साबित होती हैं। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे टाइमिंग बढ़ाने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। इसके अलावा ऐसे कौन से कारण होते हैं जो शीघ्र पतन और कमजोरी के लिए उत्तरदायी होते हैं, उनसे भी हमें बचना है। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं। दोस्तों, शीघ्र पतन कमजोरी बहुत ही जो है एक ऐसी समस्या है जिसे लोग जो है डॉक्टरों को दिखाना या किसी से डिस्कस करने में भी जो है बहुत ज़्यादा हिचकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन सी चीज़ें होती हैं जो इसके लिए उत्तरदायी होती हैं। दोस्तों, पहला है नशा। दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का जो है नशा बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहा है, चाहे वो शराब हो, स्मोकिंग हो या दूसरा कोई नशा हो, उसका प्रभाव जो है इस चीज़ पर पड़ता है। और उससे क्या होता है कि शरीर कमज़ोर हो जाता है और टाइमिंग भी कम हो जाती है, शीघ्र पतन और कमजोरी, ये सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण चिंता, डिप्रेशन, ऐसी समस्याओं से जो है व्यक्ति ग्रसित हो जाता है। दूसरा, सही मात्रा में डाइट ना लेना। दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे शरीर के लिए जो है बहुत ज़रूरी होते हैं। हमारी डाइट में सारे पोषक तत्वों का होना बहुत आवश्यक होता है, जिससे शरीर का संपूर्ण विकास हो सके, सारी क्रियाएँ सही जो है तरह से चल सकें। लेकिन जब हमारी डाइट सही नहीं होती, हम टाइम से भोजन नहीं लेते हैं, तो उसका प्रभाव हमारे शरीर में पड़ता है, शरीर कमज़ोर होता है और जो है इस प्रकार की समस्याएं, टाइमिंग कम होना, शीघ्र पतन, ये सारी समस्याएं देखने को मिलती है। स्पर्म काउंट कम होना, स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो कम होना, ये सारी समस्याएँ देखने को मिलती हैं। दोस्तों, तीसरे कारण के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो दोस्तों, ये भी देखा जाता है कि कुछ लोगों को क्या कोई बीमारी हो गई और उसके बाद से जो है इस प्रकार की समस्याएं होने लगती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है सही डॉक्टर से कंसल्टेशन जो है, एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्टेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि हम जो है जो विज्ञापन वाली दवाओं और दूसरी दवाओं किसी के कहने पर नुस्खा आजमाएँ, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें बिल्कुल जो है बिना जो है घबराए शरमाए डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, आइए अब डिस्कस करते हैं हम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में कि ऐसी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं इन प्रॉब्लम्स के लिए। दोस्तों, पहली होम्योपैथिक मेडिसिन अगर डिस्कस करूँ तो दोस्तों, लाइकोपोडियम होम्योपैथिक मेडिसिन। दोस्तों, यहाँ तक कि बुज़ुर्गों में भी, यानी अधिक उम्र के लोगों में भी जो है शीघ्र पतन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और टाइमिंग की कमी की समस्या है, तो लाइकोपोडियम होम्योपैथिक मेडिसिन भी बहुत ही बढ़िया कार्य करती है और जो है इस समस्या में जो है निदान देने में मदद करती है। दोस्तों, दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन है दोस्तों, सेलेनियम होम्योपैथिक मेडिसिन, जो 3x 6x पोटेंसी में जो है हमें लेना चाहिए, अपने पेशेंट को देना चाहिए, और दिन में 2-2 टैबलेट दिन 3 बार अगर इसका सेवन करते हैं तो जो है ये ताकत भी प्रदान करती है, टाइमिंग को भी बढ़ाती है, शीघ्र पतन की समस्या को भी कम करती है, और जो है इसके कारण जो बाल झड़ने की जो समस्या होती है उसमें भी जो है बहुत बढ़िया वर्क करती है। दोस्तों, सेलेनियम एक ऐसा तत्व है जो लहसुन में भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और हमारे बालों और हमारे सेक्सुअल फंक्शंस के लिए जो है बहुत जो है आवश्यक तत्व है, तो इससे बनने वाली सेलेनियम होम्योपैथिक मेडिसिन भी इसमें बहुत ही बढ़िया कार्य करती है। दोस्तों, तीसरी होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें, एग्नस कैस्टस होम्योपैथिक मेडिसिन। दोस्तों, बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है,
स्पेशली जो है टाइमिंग कम होने की समस्या, शीघ्र पतन की समस्या और कमजोरी की समस्या को दूर करती है दोस्तों, और बहुत बढ़िया वर्क करती है दोस्तों। नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है डामियाना। डामियाना मदर टिंचर फॉर्म में इसका यूज़ किया जा सकता है, और ये दवा जो है टाइमिंग को बढ़ाती है और ताकत प्रदान करती है, और किसी प्रकार की कमी जिसके कारण जो है जो शीघ्र पतन की समस्या देखने को मिल रही है उसको दूर करने में मदद करती है। अगर नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन की अगर बात करें तो अश्वगंधा। दोस्तों अश्वगंधा मदर टिंचर बहुत ही इफ़ेक्टिव है इस प्रकार की प्रॉब्लम को जो है ठीक करने के लिए। स्पर्म काउंट भी बढ़ाता है और स्पर्म का जो मोर्टिलिटी रेट है उसको भी जो है बढ़ाता है, और जो कम टाइमिंग की समस्या है उसको जो है ठीक करता है। दोस्तों नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन की अगर बात करें तो जिनसेंग मदर टिंचर दोस्तों, और टैबलेट फॉर्म में भी ये होम्योपैथिक मेडिसिन अवेलेबल है। 3x पोटेंसी हमें इसका जो है सेवन करना चाहिए। ये भी होम्योपैथिक मेडिसिन जो किसी प्रकार की भी जो कमजोरी है, ताकत की कमी है, उसको दूर करके जो है ये दवा ताकत प्रदान करता है और जो टाइमिंग है उसको बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा दोस्तों अधिकतर ये देखा जाता है कि सही तरीके से डाइट न लेने के कारण जो है इस प्रकार की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। तो दोस्तों अल्फ़ा अल्फ़ा माल्ट जो है वो स्पेशली मेडिसिंथ कंपनी का जो अल्फ़ा अल्फ़ा माल्ट है बहुत ही इफ़ेक्टिव माल्ट है। इसे दो दो चम्मच अगर हम दिन में 3 बार लेते हैं, साथ में मेडिकेशन जो मैंने बताए हैं वो पेशेंट को देते हैं, तो इसमें बहुत बढ़िया रिजल्ट जो है देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और होम्योपैथिक मेडिसिन की बात की जाए तो बायो कॉम्बिनेशन जो है 27 नंबर दोस्तों, 4-4 टैबलेट दिन में 3 बार लेना चाहिए। ये जो है बहुत ही बढ़िया काम करता है, शरीर में जो भी कमी है उसको पूरा करता है, ताकत प्रदान करता है, टाइमिंग बढ़ाने में जो है मदद करता है। इसके अलावा दोस्तों फास्फोरिक एसिड होम्योपैथिक मेडिसिन। हाँ दोस्तों फास्फोरिक एसिड होम्योपैथिक मेडिसिन स्पेशली ऐसे लोग जो बुरी आदतों में पड़ के जो है मास्टरबेशन करना, इन सारी समस्याओं के कारण क्या होता है शरीर में कमी आ जाती है, तो इस प्रकार की समस्याओं को दूर करके फास्फोरिक एसिड होम्योपैथिक मेडिसिन जो है ये बहुत बढ़िया काम करती है और शरीर में ताकत प्रदान करती है, जो भी कमी है उसको दूर करके ये जो दवा है टाइमिंग बढ़ाने में भी मदद करती है। दोस्तों नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन फ्लोरिक एसिड होम्योपैथिक मेडिसिन। दोस्तों ये भी बहुत बढ़िया होम्योपैथिक मेडिसिन है, स्पेशली ऐसे लोग जिनका जो है सीमेन जो है बहुत तेज़ी से जल्दी पास हो जाता है, थोड़े से दृश्य देख भी देख लिया अगर किसी प्रकार के उत्तेजक, तो उससे ही जो है शीघ्र पतन की समस्या हो जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए फ्लोरिक एसिड होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत बढ़िया होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो दोस्तों मैंने आपको के साथ जो है बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताया जो शीघ्र पतन और टाइमिंग की समस्या जो है उसको जो है शीघ्र पतन को दूर कर टाइमिंग को बढ़ाने में मदद करती हैं। इसके अलावा मैंने ये बताया कि आपको डाइट का अपना विशेष ध्यान देना है। इसके अलावा दोस्तों रेस्ट जो है समय पर सोना, जल्दी सोना, नींद पूरी करना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी फैक्टर है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, आपका किसी भी प्रकार का सवाल हो ज़रूर पूछें, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, और हम आपके लिए डेली वीडियोस लाते हैं कुछ ना कुछ हेल्थ से जुड़ी हुई टिप्स पर। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसी समस्या है जो लोग किसी से डिस्कस भी नहीं करते हैं, ना ही डॉक्टर के पास जाना पसंद करते हैं, लेकिन दोस्तों ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आपका एक शेयर जो है किसी के लाइफ में जो है बहुत बढ़िया परिवर्तन ला सकता है और उसकी हेल्प कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।